ड्रामे हो रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य आ रहे हैं। हाँ, अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छी भी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ड्रामे होते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी अच्छी बात जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, और जावेद साहब इसको और ज़्यादा मुझसे बोलते हैं, कि कभी भी क्रिएटिविटी के साथ में मार्केटिंग की टीम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग का काम होता है मार्केटिंग करे जो क्रिएटिव चीज़ आई है। जब मार्केटिंग टीम बताती है कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है, तो समझो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मटमैला है, पोल्यूटेड है। तो जब आप कोई टेलीविजन शो बनाते हैं, तो अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्रिएटिव टीम को अलग रखें, मार्केटिंग टीम ये ना बताया कि अरे यू नो व्हाट आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, एंड यू नो पीपल आर गेटिंग टीआरपी, यू नो व्हाट वी डू दिस, वी डू दैट एंड दिस एंड दैट एंड दिस, उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जाती है। फिर आपको जो नौसीखे लोग हैं जिनको पता नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं कैमरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको पता है ये कैमरा कैसे चलाना है, ये आपकी स्टडी है, आपने इस पर ज़िंदगी बिताई है, आप इस पर काम रोज़ इसको आप पकड़। अब मैं बताऊँगा कि नहीं नहीं सर ये एंगल को थोड़ा ऐसे कर दो, हाँ ये बटन रॉन्ग, ये रॉन्ग बटन दबा रहे हो अपना, इसको नहीं इसको ऐसे, आपको क्या लगेगा कि यार ये हमारा काम है, ये हम इसको ज़िंदगी में जीते हैं, हम इसके इसे रोटी कमाते हैं, हमने इस पर स्टडी करी, हमारा परिवार इसे चलता है, और ये कल का आदमी है जिसको उसको कैमरा उठाना नहीं आता, ये हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमको। पर क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आपको कैमरा कैसे उठाना है कि हम आपको बताएंगे। तो ये फ़र्क हो जाता है कि जब मार्केटिंग और क्रिएटिव, और क्रिएटिव लोगों को नहीं बोलना चाहिए कभी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये भी बात है, जो जिसका एक्सपर्टीज़ है वो वैसे बोले। तो मैंने देखा है कि टेलीविजन शोज़ में होती है मैनिपुलेशन होती है। कुछ ऐसे कोई मैंने सोचा नहीं है, कोई कोई धारणा लेकर नहीं आया हूँ मैं, जो भी जैसा अच्छा हो, जो दिल को छुएगी आवाज़, जो अच्छी जो जो सिंसेरिटी दिखाई देगी उसी को चुनेंगे। जो उसे हाँ हाँ होते हैं, नहीं नहीं रैप में तो बोला गाना बोला जाता है, गाने की ट्यून्स जो जिससे हम आजकल हुक लाइन कहते हैं, हुक लाइन रिपीट करके बनाती है, बनाई जाती है। नीली शर्ट वाली लड़की, नीली शर्ट वाली लड़की, हाय नीली शर्ट वाली लड़की, नीली शर्ट वाली लड़की, तो गाना बन गया। नहीं नहीं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को, मेरे हिसाब से आप अपना ईगो दिखा रहे हैं क्रिटिसाइज कर। देखिए जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, आप कैसे कह सकते हैं कि जो बादशाह है या रफ्तार है वो बेकार है और हम बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। उनकी अपनी स्टडी है यार, वो अपना कुछ कर रहे हैं, वो नया लेकर आए, उनका स्टाइल है, उनके म्यूज़िक स्टाइल है, वो अपने रिदम से कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, दिस इज़ देयर थिंग, यू डू योर थिंग प्रॉपरली। मैं मेरा काम पर ध्यान दूँ, मैं किसी और के काम की बुराई नहीं करूँ, मेरा ये